दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों. गिवन क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज थ्री टर्म्स. वी हैव 24, 36 एंड 40. अब यहाँ पे फुल ग्रिड्स बनानी पड़ेंगी आपको. देखिए अगर मैं 2 पे मूव करता हूँ तो इट वुड बी 12, 18 एंड 20. अगेन मैं 2 पे मूव कर सकता हूँ, इट वुड बी 6, ये रहेगा 9 और ये रहेगा 10. अगेन देखो बच्चों आप 3 पे मूव कर सकते हो, 3 2 जा और 3 3 जा और दिस इज 10. अगेन आप 2 पे मूव कर सकते हो, दिस इज 1, 3 और 5. अब बच्चों 3 पे मूव करेंगे, ये 1, ये 1 और ये 5 एंड अगेन 5, दिस इज 1, 1 एंड 1. तो बच्चों एलसीएम विल बी इक्वल टू होगा, एलसीएम एलसीएम इज इक्वल टू आपका होता है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. दिस वुड बी द एलसीएम. तो ये बच्चों रहेगा 2, ये बना 4, ये बना मेरे पास 6, ये बना मेरे पास 15. तो 15 6 90 90 मल्टीप्लाई दिस 360, तो 360 जो आंसर रहने वाला है. अब बच्चों इस चीज़ को आप ओरली भी सोल्व कर सकते हो. ओरली किस वजह से करोगे, देखो जो इजी टेबल्स होती हैं उनको पहले सोल्व कर लो. 24th और 40 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो वी नो दैट 120 विल बी द आंसर, क्योंकि 24 की अगर टेबल में 120 आता है और 40 की टेबल में भी 120 आपका वहाँ पे आता है, राइट ऐसे कुछ रहेगा. ठीक है जी. अब देखिए अब 120 और आपने अब देखना है 36 का एलसीएम क्या बनेगा. 120 और मैं अगर 36 का एलसीएम निकालता हूँ तो देखिए 360 36 की टेबल में आता है, ऐसे ही 120 की टेबल में भी 360 आता है. दोनों की टेबल में कॉमन आने वाला 360 है, तो 360 ही आंसर रहेगा. तो आप देख के भी निकाल सकते हो.